लड़की लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, ओनली 1300 राइट। क्या बीता होगा भाई, इतना छोटे उम्र में उसका बेटा गुजर गया। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अभिषेक रॉय एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोरखे बॉय ब्लॉग्स। तो किसी हो गाइस, लाइफ की सब अच्छे होंगे तो अच्छा ही रहना। एंड आज का ब्लॉग आप लोग का थंबनेल एंड टाइटल देखे तो पता चल ही चुका है गाइस आज का ब्लॉग क्या हो रहा है। आज हमारा छुट्टी है, अभी बज चुके हैं लाइक रात हो चुका है, 7 बजने ही वाला है। एंड मैं सोचता था आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगा करके, बट ये लड़की सडनली बोल रहा है कि अभी उधर जाके एक बालाजी से उसको एक शूज खरीदना है ड्यूटी के लिए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो छोटा सा मैं ब्लॉग भी बनाने का कोशिश करूंगा गाइस, आज बहुत दिन के बाद मैं मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ गाइस। सो स्टे ट्यून, वीडियो में जुड़े रहे। और जितने भी न्यू व्यूअर्स ये ब्लॉग दिख रहे गाइस, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। एंड प्लीज गाइस डू कमेंट, आपका एक कमेंट ना हम मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। सो अभी हम लोग निकलेंगे गाइस। जो बालाजी आता है मारादेली में, यहाँ से लगभग हम लोग को लगेगा 5 किलोमीटर हो सकता है। अगर ट्रैफिक नहीं रहेंगे तो हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, अगर ट्रैफिक रहेगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। सो आप लोग को भी दिखाऊंगा, अगर नियर बाय कोई दिख रहा है तो बालाजी बहुत ही अच्छा शॉपिंग प्लेस है गाइस, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस। ओके गाइस, सो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मोटो ब्लॉक सेटअप में आ चुका हूँ मैं। और बैग किधर है, बैग भूल गया। दिन में बहुत ही ज्यादा धूप होता है यहाँ पे, लाइक बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है तो निकल नहीं पाते हम लोग। सो अभी नाइट में ही हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है। तो आज बहुत दिन के बाद मेरे को मोटो ब्लॉग करने का बहुत ही मन कर रहा था, सो अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं है, मारथली 4-5 किलोमीटर ही है। ओके तो चलो गाइस। ओके तो अभी बैंगलोर में भी बहुत ही गर्मी हो चुका है ना गाइस, सो अभी लोग रात को ही निकलता है। एंड ये है सिद्धापुरा जहाँ पे हम रहते हैं। ये आ गया व्हाइटफील्ड मेन रोड गाइस, यहाँ से लेफ्ट लेते हुए जाना है हम लोग को। एंड नाइट राइड में आप लोगों को स्वागत है गाइस। तो चलो, लेकिन ये समय में ना ट्रैफिक होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है, तो देखो यहाँ पे स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया। पहले इसका सैलून में जाना है, सैलून से इसका कोरियर कुछ आया है, इसका कोरियर कलेक्ट करके मारथली जाना है। ओके सो जुड़े रहिए। एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स ये मेरा ब्लॉग दिख रहा है तो गाइस कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अरे भाई ट्रैफिक देखो यार, वो साइड में भी ट्रैफिक है, इस साइड में भी ट्रैफिक है। ये समय तो भाई ट्रैफिक का टाइम है, अभी 7 बज चुके हैं ना, तो ऑफिस वगैरह सब छुट्टी रहता है, छुट्टी होता है ये टाइम में, तो इसीलिए ट्रैफिक होने का चांसेस ही ज्यादा है। एंड एक बात बोलना था मेरे को ये ब्लॉग में गाइस, रेस्ट इन पीस अगस्ती चौहान, यस प्रो राइडर अगस्ती चौहान को रेस्ट इन पीस भाई, ठीक है भाई। वो भी एक अच्छा ब्लॉगर था, मोटो ब्लॉग अच्छा करता था भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस जब कोई भी राइड करते ना ज्यादा स्पीड मत चलाया करो गाइस, ठीक है। वो भी राइड एक्सीडेंट हो गया, उसका भी डेथ हो गया गाइस, अभी एक हफ्ता हो गया होगा गाइस। बहुत दुख लगता है ऐसे कोई मरता है ना यार छोटे से उम्र में, तो बहुत दुख लगता है। फैमिली को क्या बीता होगा भाई, इतना छोटे उम्र में उसका बेटा गुजर गया, कैसा होता है उसका फैमिली को, मरने वाला तो चला जाएगा भाई। फिर भी देखो यार, बाप रे, लोग बोल रहा था 300 के स्पीड में, 300 का स्पीड कम नहीं होता है भाई, 300 तो नहीं होगा, फिर भी 100 का भी स्पीड तो कम नहीं होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है वो भी। बाप रे, मैं देखा था उसका वीडियो वगैरह, देखता था एक्चुअली, बंदे बहुत ही अच्छा वीडियो ब्लॉग बनाता था भाई। फिर भी गाइज वो सोच समझ के चल लिया करो, फैमिली को सोचो यार, चलाओ बाइक आराम से चलाओ भाई, इतना स्पीड चलाने का क्या यार। इतना अच्छा बंदा था, गुड लुकिंग था यार, अच्छा खासा फैमिली था यार, फैमिली में क्या बीतरा होगा। ये दुख लगा ना बेचारा, वो छोटे से उम्र में ही डेथ हो गया उसका, एंड उसका फैमिली में क्या बीता, मेरे को बस वही चीज मेरे को हजम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए छोटा सा बात बोल दिया उसके लिए। तो छोड़ो, अभी हम लोग जा रहे हैं मारथली। ये देखो अभी यहाँ पे कुंदनन सिग्नल आने वाला है। मेरा मोटो ब्लॉग तो आप लोग को बोर करता है क्योंकि ना मैं बहुत ही स्लो गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेना है, पहले साई बाबा रोड जाना है उसका सैलून के तरफ, उसका कोरियर को पिकअप करके हमको मारथली की तरफ जाना है। सो अभी मेरे को यहाँ से राइट लेना है। एंड ना गाइस, आजकल मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि ना भाई ड्यूटी में बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा है, अभी मेरा बहुत ही बिजी हूँ, एंड एडिट का भी टाइम नहीं मिलता है, ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है प्रॉब्लम। एंड छुट्टी में ऐसा ही मैं ब्लॉग बनाता हूँ, छुट्टी छुट्टी में अच्छा कंटेंट मिल गया। तो अभी यहाँ से लेफ्ट लेना है, देखो भाई साई बाबा रोड है, इसको बोलते हैं साई बाबा रोड,
ठीक है, यहाँ पे ना भाई बहुत ही ज्यादा पब्लिक होता है। देखो यहाँ पे रात तक पब्लिक होता है भाई, कितना ज्यादा पब्लिक, कहाँ कहाँ का आदमी लोग होंगे भाई। तो अभी थोड़ा आगे जाके इसका सलून मिल जाएगा, तो सलून से इसका सामान लाना है कलेक्ट करके, तो फिर हम लोग डायरेक्ट मारथली के लिए निकलेंगे। तो ये आ गया उसका सलून, उसको अभी यहाँ से पिकअप करके सामान मैं गाड़ी को यू टर्न करके रखूंगा। जो जिगरा होता निकाल के आओ, जो गाड़ी घुमा रहे चलो। उसका सलून है वो वहाँ पे सामान लेने के लिए गया उसका कोरियर, ठीक है मैं वीडियो चेक करेगा यहाँ पे, एक मिनट चढ़। तो इसने पिकअप कर लिया सामान, देखो अभी जूडियो जाएंगे बोल रहा है, जूडियो तो इधर ही है, और जूडियो में नहीं मिलेगा ना तो फिर से बोल रहा है कि उधर जाने के लिए बालाजी। तो चलो अभी इसका सामान भी पिकअप कर लिया और हम जा रहा है साई बाबा रोड होके, तो आगे जाके सिग्नल निकलते हैं, वहां से लेफ्ट लेना है, जूडियो की तरफ जाना है माराथली की तरफ, बट हम लोग को माराथली नहीं जाना है पहले, पहले जाना है जूडियो, ठीक है जूडियो जाके आप लोग को दिखाता हूँ। तो थोड़ी देर आप लोग एक गाना चेक करो, बाय चलो। तो ये आ गया सिग्नल गाइस, यहाँ से अभी हम लोग को लेफ्ट लेना है माराथली की तरफ, लेकिन माराथली तो नहीं जाना है, हम लोग को जाना है इधर नीचे ही जूडियो में। अगर जूडियो में मिल गया तो हम लोग को माराथली जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जूडियो है, यहाँ से ये सूझ लेगा बोल रहे हैं पार्किंग एंट्री ये, तो हम लोग पार्क करके जाएंगे। ये देखो अंदर फोटोशूट चल रहा है, ओके यहाँ पे पार्क करेंगे। अबे मैं तो लीव कैसा देख लेना। चलो गाइस हम लोग जूडियो आ गया, एंड ये ना अभी नया बना है ना, क्योंकि पहले ये बहुत ही छोटा था, तो अभी यहाँ पे बड़ा बनाया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गया, देखते हैं कैसा बनाया है। आई थिंक ऑफर भी लगा है बोल रहे हैं, लुक एट दिस। आराम से हम लोग लिफ्ट में भी, मियां बीवी पहले तुम्हें जूता है रहा ना, पहले जूता है रहा, ओ हाँ दामी बनाई से तो भाई। देखते हैं क्या क्या है, लड़की क्या खरीदता है मेरे लिए, क्या खरीदेगा, क्या नहीं जमा क्या खरीदेगा, ठीक है अगर यहाँ पे वीडियो अलॉट करने देता है कि नहीं पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना है। चलो तो अंदर घुस गए हम लोग, तो यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है बोल रही गाइस, ठीक है ऐसा मैं छुप छुप के वीडियो बनाऊंगा अभी। इसका 500 रुपये, ये देखो शूज वगैरह जूडियो का, कितना रहता बेबी हाँ नाजू। सो गाइस ये जूडियो में घुसा था, हम लोग का कुछ भी अच्छा नहीं लगा, एंड यहाँ पे बहुत सारा ब्रांड वगैरह है, वाइल जी सैलून भी है, एंड बहुत ही अच्छा बनाया है ये, हम लोग लाइक 5-6 महीने के बाद आए होंगे, और ये आके ले जा रहा है देखो, हम दोनों अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन ये नया बनाने के बाद बहुत महंगा हो गया, महंगा तो नहीं मुझे कलेक्शन अच्छा नहीं लगा गाइस, लेकिन टी शर्ट, टी शर्ट एंड जींस अच्छा था, ठीक ठाक ही था, लेकिन अभी हम लोग बालाजी जाएंगे, चीप एंड बेस्ट, बालाजी इज द बेस्ट। ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, पार्किंग को जो बुझन पर से हैं, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, ठीक है डायरेक्ट बालाजी निकलेंगे, अभी गाड़ी डाल दिया हाँ यहाँ पे देखो, अभी निकलना पड़ेगा। ओके गाइस सो अभी हम लोग बालाजी पहुँच गया, ये देखो बालाजी में कुछ इस प्रकार से नजारा दिखता है,
तो अंदर ये लड़की क्या खरीदते हैं मैं देखता हूँ, ठीक है। अंदर जा रहा है अभी हम लोग, पहले यहाँ पे हेलमेट वगैरह रखने के लिए देंगे। अंदर घुस रहे हैं गाइस, पहला तीन सेक्शन में बीमा थी तो यहाँ पे ना गाइस चीप एंड बेस्ट मिलता है यहाँ पे, एंड क्योंकि ब्रांडेड कपड़ा होता है ना वो भी सस्ते में मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं यहाँ पे सेक्शन बाई सेक्शन है, किड्स वुमेन्स मेन्स ऐसे करके। ये है लेडीज सेक्शन, शूज सेक्शन। तो गाइस यहाँ पे ना ऐसा ऐसा बूट मिलता है, देखो कितना हाई क्वालिटी बूट है, लुक लड़की लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ओनली 1300 राइट। एंड नेक्स्ट वन देखो गाइस, ये भी देखो बाप रे, अगर मेरी दार्जिलिंग में ये सब मिल जाएगा ना भाई बहुत ही जल्दी सेल हो जाएगी। लुक कितना अच्छा है यार, बाप कति है इसको लुक, बाप 1500 में देखो। अंत ये तो हेवी वेट होता नहीं, देखो 1500 कितना अच्छा शूज़ है यहाँ पे। ये लड़की नहीं लेता है ना, मैं लेने के लिए बोलता हूँ ये नहीं लेता, मुझे अच्छा लगता है लड़की लोग जब बूट घर से डाला जाओ भी बेचते हो एवडा हेर नाम ल घर से डाला, देखो कितना अच्छा चल रहा है यार लड़की लोग के लिए। लेकिन शूज़ क्या पड़ा चेक करना पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा अच्छा शूज़ मिलता है यहाँ। लो गाइस लड़की लोग का बूट का कलेक्शन देखो भाई, बाप रे लुक एट दिस, कितना इसका प्राइस है 1300 बस। लुक अच्छा अच्छा बूट है यार यहाँ पे, लुक एट दिस, बाप क्वालिटी भी अच्छा है इसका। मैं तो एक बूट लिया हूँ लेडीज सेक्शन से, लिया हूँ लेडीज बूट लिया हूँ मैं, बड़ा साइज है। लुक बाप, अगर लड़की लोग बूट पहनते हैं ना तो भाई देखो कितना अच्छा अच्छा बूट है यार, बूट लवर को इधर आना चाहिए, बहुत ही सस्ते सस्ते दाम में भाई अच्छा अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है यहाँ पे। लड़का लोग का तो उतना अच्छा नहीं होता है। बेबी कहाँ गया, क्या ढूंढ रहे हो? अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस, यहाँ पे एक भी अच्छा नहीं मिला हम लोग को, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, नीचे ही बाहर में ये शूज़ दिखेगा उसके बाद हम घर जाएंगे गाइस, ठीक है। ये सब छान मार चुके हम लोग, तो बाहर का एक दुकान है वहाँ पे एक कन्वर्स टाइप का शूज़ लेंगे उसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्शन नहीं है एक भी अच्छा, एक भी कलेक्शन अच्छा नहीं लगा। पिछले बार आया तो बहुत ही अच्छा से था, लेकिन अभी उतना अच्छा कलेक्शन नहीं, तो अभी हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से भी, तो बाहर से लेते हैं एक बार। गाइस सो अभी बालाजी से हम लोग बाहर आया है, यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी अच्छा कलेक्शन नहीं आया था, तो अभी उधर बाहर में ही वो शूज़ लेगा, एक पांडा टाइप का कुछ शूज़ ड्यूटी एवरीडे यूज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छा अच्छा टी शर्ट तो देखने को मिल रहा है, फुल टी शर्ट वगैरह, तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ इसके लिए आया, इसके शूज़ लेंगे। एंड आप लोग को बहुत ही ज़्यादा नॉइज आ रहा होगा, उधर हमारा दार्जिलिंग मोमोज भी बेच रहा है। ओ भाई चलो, ओके गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे भी क्रेज देखो, अभी गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो लोग नाइट में निकल रहे हैं। ओह देखो अभी यहाँ पे एक शूज़ दुकान था, तो वहाँ पे इसको शूज यहाँ हाँ लियो ना, यहाँ लियो ना, यहाँ आओ, यहीं यार आ जाओ, जैसे लियो भी उतना अच्छा कलेक्शन तो नहीं है। अभी ऊपर जाएंगे, थोड़ा ऊपर भी दुकान वगैरह बहुत ज़्यादा है। एंड ये उधर दिख रहा है ना, ये उधर काला मंदिर आता है, और इधर में माराथली अश्वत्थ नगर, ये भी माराथली ही है। एंड लुक एट द क्राउड, चेक करो भाई बाप रे, माराथली में भी अभी इतना ज़्यादा यहाँ है ना, यहाँ अंदर राम राम जो तार पहुँचे बेल्ट यहाँ पहुँचो होला इन अंदर बेल्ट सामने से, तो यहाँ पे मेरे को एक बेल्ट भी लाना है, बेल्ट देखेंगे एक भैया, बेल्ट मेंस बेल्ट इधर है,
तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया हमने, ठीक है। अभी थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके देखते हैं। इसको मेन थिंग इसका शूज खरीदना है। मैं भनेको नि तिम्रो अब ड्युटी एरिया में पाउँछौ राम्रो जुत्ताहरू, कलेक्शन त जुत्ता कलेक्शन त्यहीँ राम्रो हुन्छ, एरियामा त्यस्तो छैन। अभी हम लोग दूसरा लोकेशन में जा रहे हैं। यहाँ से मैंने एक बेल्ट लिया एंड घड़ी में बैटरी डालना था वो भी डाल दिया। इसका शूज़ नहीं मिला, अभी शूज़ लेने के लिए हम अशोक नगर में जाएंगे, ठीक है। अशोक नगर जाएंगे शूज़ लेने के लिए। अभी बाइक निकल के, बाइक जो है हम लोग ने इधर ही पार्किंग किया था, तो बाइक निकल के हम अशोक नगर जाएंगे। सो देखते रहेगा इस ब्लॉग। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग घर पहुँच गया। एंड अभी ना क्या हुआ था ना, सीन बारिश आने का जैसा सीन हुआ था, इसलिए हम लोग फटाफट, बारिश आ ही गया था एक्चुअली। देखो अभी यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया है, तो इसीलिए हम लोग फटाफट घर आया, ठीक है। एंड ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है, क्या कर रहे भाई, गेम खेल रहे। देखो हमेशा गेम खेल रहा है। ओके गाइस, सो अभी घर पहुंच गया। अभी बाहर में बारिश भी होने लगा। हम लोग 7 बजे निकला था, अभी 10 बज नहीं बोला है गाइस, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हम लोग बाहर था, ठीक है। सो अभी दिखाएंगे हम लोग ने क्या क्या लिया है बोल के, एंड इसका पार्सल भी दिखेंगे अभी क्या क्या है यहाँ पे। हमने लिया KFC गाइस, आज हमारा चैलेंज होगा KFC बॉटल फ्लिप चैलेंज, ठीक है। जो अच्छे से फ्लिप करेगा उसको अच्छे से खाने को मिलेगा, है ना। मैं भी जीका था लो, ये फैंटा भी लिया हम लोग ने, और ये पानी का बोतल हाफ पी के इसका डीप फ्रीजर में डालेंगे पहले। ओके, तो इसको यहाँ पे डालेंगे, डीप में डाल देंगे, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा बनाएगा इसको। यहाँ पे चला गया। एंड इसका मुझे एक पार्सल देखने का मन था गाइस, क्या लिया है चश्मा, है ना भाई, भोजरी माँ कर चाकटा मत एवं खोल ना। देखो गाइस 4 चश्मे मंगाए इसने ऑनलाइन में, ऑफर में था ना। देखो गाइस हमारा चश्मा सब गुम हो गया था ना, अभी इसने 4 मंगाया, कितने में, 140 में, बस 140 में 4 चश्मा। ओ भाई देखो देखो, एक बार ट्राई करो, क्वालिटी भी बढ़िया है भाई। मेरा ऐसे वाला एक ग्लास था। ओ नो, कैसा लग रहा हूँ मैं, एक ये हो गया, कुछ ना खोलेगो, ये बढ़िया लगा मेरे को ये चश्मा। दो हो गया, कौन से ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लैक जो है देखो अच्छा है, क्वालिटी भी फिर भी कति पड़े इसको, ये भी मैं ऐसे तक गुम हो गया वो फोन बोर्ड में, कति था इसको, कति पड़े, कति 300 कति में है ना, मैंने एक ही चश्मा सेम ये 300 कितने में खरीदा था, है ना, मैंने ना लगा, आई नो यो ग्लास गैप रहेछ, देखिनु कस्तो ग्याप मिन्स, यो वाइट नै हैन। देखो सबका अपना अपना ग्लास, अभी 4 ग्लास कितने में मगाए बेबी, 140 हां 140 में 4 ग्लास भाई, 4 ग्लास कौन सा उसमें ऐप में, शॉपसी ऐप में इसने 4 140 में ऑर्डर किया, वो भी टूटने वाला था। ये देखो ग्लास पेन के पूरा खेल रहा है, ठीक है। सो आज का ब्लॉग इतना ही है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ गाइस, तब तक के लिए मेरी गोरखे बॉय ब्लॉग्स देखते रहिए। यस गोरखे बॉय ब्लॉग्स देखते रहिए गाइस, बाय बाय, सभी को दे रहे माया, गुड नाइट।